तो दोस्तों, जैसे कि आपने वीडियो का टाइटल देखा, आज के इस वीडियो में क्रोमटन ऑप्टिमस 100 का रिव्यू करने वाला हूँ। एक साल से ज़्यादा समय तक यूज करने के बाद आपको बता दूँ, इस कूलर का कंप्लीट अनबॉक्सिंग रिव्यू टेस्ट वीडियो लास्ट ईयर मैंने अपने चैनल पर डाला था, इसे एक हफ्ता यूज करने के बाद। पर आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा इसे एक साल से ज़्यादा समय तक यूज करने के बाद, जैसे कि क्या क्या दिक्कत फेस करनी पड़ी, कौन सी और कमियां नोटिस हुई हैं, छोटे से छोटे पॉइंट भी, अभी कैसा चल रहा है, आपको ये कूलर अभी या फ्यूचर में लेना है तो क्या मैं इस कूलर को रिकमेंड करूँगा या नहीं, ये सब कुछ इस वीडियो में कवर करूँगा। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल होने वाला है। फुल इन्फो के लिए वीडियो को स्टार्ट से एंड तक देखना। वीडियो पसंद आए, हेल्पफुल लगे तो लाइक करना, शेयर करना, ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सारा कुछ आपको दिखा बता देता हूँ, लेट्स गो। तो चलिए आपको लेके चलता हूँ। कूलर कुछ इस तरीके से खिड़की के बाहर रख के हम यूज करते हैं, क्योंकि इनसाइड जगह नहीं है और वैसे भी कूलर को अंदर यूज नहीं करना चाहिए। बाहर की तरफ ये रखा हुआ है ताजी हवा को खींचने के लिए। और देख सकते हैं दोपहर के टाइम पे कूलर के ऊपर पूरी कुछ सूरज की रोशनी पड़ती है तेज। और हाँ, एक चीज की तारीफ करनी होगी कि जो इसकी प्लास्टिक की बिल्ड क्वालिटी है, जैसे कि कूलर के अंदर हमेशा पानी रन करता है और बाहर की तरफ अगर सनलाइट पड़ रहा है तो उससे प्लास्टिक खराब होने के चांसेस होते हैं, पर इस कूलर में ऐसा कुछ नहीं देखने को मिला। बिल्ड क्वालिटी प्लास्टिक की जबरदस्त है। कूलर के साथ जो डस्ट फिल्टर है वो भी काफ़ी स्ट्रांग है, कोई भी खराबी इसमें नहीं है इसकी प्लास्टिक क्वालिटी में। हाँ, आपको हफ्ते में दो बार जरूर इसे क्लीन करना होगा, क्योंकि जब ये रन करता है तो बहुत ज़्यादा धूल इस पर चिपक जाती है और धूल ज़्यादा हो गई तो हवा सही नहीं देगा। इसके अलावा ऊपर आपको दिखाऊं तो देख सकते हैं क्या हालत बन गई है इस चैम्बर की। आपको बता दूं, हमारे यहाँ का पानी बहुत ज़्यादा हार्ड है, इसलिए यहाँ पर कुछ ज़्यादा दाग आपको दिख रहा है और पपड़ी सी जम गई है। क्लीनिंग बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है इस कारण से, शायद आपके केस में ऐसा ना हो। नेक्स्ट चीज़ आपको दिखा दूँ, कूलर रन कैसा कर रहा है। तो रन करने में कोई भी दिक्कत नहीं है। बात करें रोटेशन की तो जितना तेज पहले चलता था उतना तेज ही अभी भी चलता है, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। साउंड आउटपुट की बात करें तो रन करते टाइम पहले से ज़्यादा पड़ गई है, समय के हिसाब से पुर्जे वगैरह ढीले होते हैं तो आवाज़ पड़ती ही है। और ये देखिए क्या हालत यहाँ पर बनी है इस चैम्बर की, बहुत मुश्किल होता है क्लीनिंग करना। तो यहीं पे आपको बता दूं कि अगर आपके एरिया का पानी हार्ड है तो इस कूलर को ना परचेज करो, क्योंकि आगे मैं दिखाने वाला हूँ क्लीनिंग कितनी ज़्यादा मुश्किल है। ओके, नेक्स्ट एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट बता दूं, इसे यूज करते टाइम एक जो दिक्कत मुझे फेस करने को मिली वो कभी कभी कूलर को जब हम ऑन करते हैं तो इसके जो पंखे हैं वो धीरे धीरे स्लो मोशन में स्पिन करते हैं। जब हम इसे टच करते हैं तो हार्ड सा फील होता है, जैसे कि जैम हो गया, और जब हम पुश करते हैं इसको किसी चीज़ से तो ये स्पिन करना शुरू करता है। पर ये चीज़ बड़ी स्ट्रेंज है, कई बार ये बिल्कुल स्मूथ काम करता है, कई बार जैम सा फील होता है, कुछ मुझे समझ में नहीं आई ये दिक्कत। नेक्स्ट एक और पॉइंट मैं रखूँगा जो कि मैंने नोटिस किया, वो ये है कि अगर आपके एरिया में लाइट बहुत ज़्यादा कम ज़्यादा पड़ता घटता रहता है तो लो और मीडियम सेटिंग पे कूलर के जो पंखुड़ियाँ हैं उससे कुछ इस तरीके का साउंड सुनने को मिलेगा, जैसे लगा कि पंखुड़ियाँ इसकी ढीली हो गई हैं। पर ऐसा कुछ नहीं है, कहाँ से साउंड आता है पता नहीं चलता। नेक्स्ट कुछ और चीज़ें जो मैंने नोटिस की वो ये है कि पीछे जो यहाँ पे बड़ा सा डायल मिलता है पंप के स्पीड को बढ़ाने घटाने का, वाटर फ्लो को बढ़ाने घटाने का, वो समय के हिसाब से देख सकते हैं कितना ज़्यादा टाइट हो गया है, इसको स्पिन करना मुश्किल होता है। अब ये रीजन हार्ड वाटर भी हो सकता है या फिर पता नहीं, पर ये दिक्कत हो रही है। उसके बाद जब मैंने इस कूलर का रिव्यू किया था तो एक कन्फ्यूजन ये थी कि इस कूलर में दो वाटर इनलेट है। आपको बता दूं, ये वाला जो वाटर इनलेट है यहाँ से आप पानी को डायरेक्ट डाल सकते हैं, इसमें ऑटो कट वाला फंक्शन सिस्टम नहीं लगा है। और इधर लेफ्ट साइड वाला जो है इसमें ऑटो कट वाला फंक्शन लगा है, पर इसमें दिक्कत ये है कि हम इसे यूज कर ही नहीं पाते। क्यों नहीं करते हैं? आपको मैं दिखाता हूँ। जब हम इसमें पाइप कनेक्ट करके पानी को ऑन करते हैं तो यहाँ पे लीकेज होती है, चाहे जितना टाइट आप यहाँ पे इसे लगाओ। ये देखिए पाइप से लीकेज नहीं, बल्कि जहाँ से जोड़ है वहाँ से लीकेज थोड़ा सा होता है। मैंने इसको टाइट करके भी देखा है पर सेम दिक्कत है। तो ऑटो कट वाला फंक्शन इस तरीके से हम यूज नहीं कर पा रहे, बल्कि वहीं इधर वाले में जो डायरेक्ट कनेक्शन है उसमें हम पाइप लगाएं, आराम से पानी की सप्लाई दें, थोड़ा भी लीकेज नहीं होता। आपको दिखा था, देखिए मैंने पानी को ऑन कर दिया है, ये देखिए पानी जा रहा है, थोड़ा सा भी लीकेज नहीं है।
नेक्स्ट एक और जो फीचर इसमें बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया गया था ह्यूमिडिटी कंट्रोल, वो आपको समझा दूँ। यहाँ पे जो डायल लगा है उसके जरिए ह्यूमिडिटी कंट्रोल को हम सेट कर सकते हैं। कुछ भी स्पेशल नहीं है, जैसे कि यहाँ पे लो और हाई पे हम अपने पंप के वाटर फ्लो को सेट कर सकते हैं। उसी को इस वाले आइकन पे जब हम सेट करेंगे तो वो यूज होगा ह्यूमिडिटी कंट्रोल के लिए, मतलब कि वाटर की जो सप्लाई है वो बहुत ज़्यादा कम होगी। इसके अलावा कोई भी स्पेशल फीचर इसमें नहीं है, यही है ह्यूमिडिटी कंट्रोल। नेक्स्ट चीज यहाँ पे आपको दिखा दूँ ड्रेन फंक्शन। तो अभी देखिए कुछ इस तरीके से पानी यहाँ पे बाहर निकल रहा है। कूलर में पानी पूरा भरा हुआ है टैंक में, इसलिए इतनी तेजी से निकल रहा है, पर यहाँ पे ड्रेन फंक्शन इसका काफी ज्यादा यूजलेस है। और यहाँ पे इसके साथ जो एक अटैचमेंट मिला था, कुछ दिन यूज करने के 2-3 महीने बाद ये टूट गया था, काफी खराब मटेरियल का बनाया गया था। बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा इसका जो ड्रेन वाला फंक्शन है वो पंप के जरिए काम करता है, तो हाँ बिल्कुल वो पंप के जरिए ही जुड़ा हुआ है। आपको इसको करंट देना होगा, पंप को ऑन करना होगा, पंप के जरिए ही पानी को ये धीरे धीरे खींच के देखिए कुछ इस स्पीड में बाहर निकलता है, और लास्ट में जो थोड़ा सा पानी बचता है उसको पंप खींच भी नहीं पाता, और टाइम 20-25 मिनट लग जाएगा आपको निकालने का, और बिजली अलग से बर्बाद। तो ये ऑटो ड्रेन वाला जो फंक्शन है वो मुझे बिल्कुल यूजलेस लगा, और इसके टैंक में कोई भी एक्सटर्नल ऐसा ऑप्शन नहीं दिया गया कि आप डायरेक्ट पानी को टैंक से निकाल सको। ये क्लीनिंग के लिए बहुत बड़ी मुसीबत है इस कूलर में। नेक्स्ट सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट पे आते हैं। किसी भी कूलर को अगर आपको यूज करना है तो उसकी क्लीनिंग हफ्ते में एक बार करनी ही पड़ेगी, और डीप क्लीनिंग करनी है तो 1 महीने बाद तो करना ही पड़ेगा। इस कूलर को क्लीन करना, इसके टैंक को, तो आपको टोटल 9 स्क्रूज ओपन करने होंगे, जिसमें से साइड वाले जो स्क्रूज हैं वो काफ़ी डीप लगे हैं। आपको दिखेगा नहीं कहाँ पे स्क्रू ड्राइवर लगाना है और किस तरीके से ओपन करना है, ये भी एक प्रॉब्लम है। उसके बाद ये पीछे वाला पैनल आपको निकालने में दिक्कत होगी। इसी पैनल में आपके सारे कुछ कनेक्शन पाइप के लगे हुए हैं, उसको ध्यान में रखना है वरना टूट भी सकता है। तो कोई ऐसा आदमी है जिसने कूलर परचेज कर लिया, वो बिल्कुल भी टेक्निकल नहीं है, कोई भी इस तरीके का काम नहीं करता, तो उसके लिए ये कूलर क्लीन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाला है। और यहाँ ऊपर से भी इसको डिसकनेक्ट करना पड़ेगा पाइप के कनेक्शन को, जंग लग जाने के कारण यहाँ पे स्क्रू भी नहीं होता है स्पिन, तो ये सारी चीज़ यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पेनफुल है। और ये देखिए अंदर किस तरीके से हर जगह गंदगी इकट्ठा हो गई है, पूरे टैंक में पानी की पपड़ी सी जम गई है, जिसको छुड़ाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, और स्पेस की भी दिक्कत है ही है। अंदर से जितने भी प्लास्टिक मटेरियल यूज किए गए हैं सब कुछ काफ़ी शार्प हैं, केयरफुली हमें यूज करना पड़ता है हाथ को। आपको बता दूँ इसकी क्लीनिंग वीडियो जल्द ही चैनल पर आने वाली, आपको बताऊँगा दिखाऊँगा कि कितनी दिक्कत हुई इसे क्लीन करने में। यहाँ पे शॉर्टकट में आपको बता रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है इसको क्लीन करने में। और अगर आप चाहें सिर्फ टैंक को अलग करना कूलर से क्लीन करने के लिए अच्छे से, तो सारा कुछ ओपन करना पड़ जाएगा आपको, मोटर से लेके ये प्लास्टिक वाला हिस्सा भी। अब यहाँ पे मेरे हाथ लंबे हैं तो मैं यहाँ पे हाथ को इधर साइड से इंसर्ट करके क्लीन करने की कोशिश कर रहा हूँ, फिर भी बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो रहा है। और क्लीनिंग करने के बाद आपके हाथ कुछ ऐसे दिखेंगे, देखिए हर तरफ से मेरे हाथ कट पीट गए हैं। तो ये है इस कूलर को क्लीनिंग करने का पेन। दोस्तों वारंटी की बात करें तो प्रोडक्ट के साथ 1 साल की वारंटी आती है, जो कि मेरे हिसाब से बहुत कम है। कई सारी दिक्कतें कूलर में हमें फेस करनी पड़ी 1 साल में ही, और जिस प्राइस रेंज में यह कूलर आता है 12,000 रुपये, काफ़ी प्रीमियम प्राइसिंग है, उस हिसाब से वारंटी 2 साल तो होनी ही चाहिए थी। तो ये सारा कुछ आपको दिखाने के बाद अभी वक्त आ गया आपको बताने का कि क्या ये कूलर मैं आपको रिकमेंड करूंगा, किन लोगों को ये कूलर लेना चाहिए किन लोगों को नहीं। तो सबसे पहली चीज़, अगर आपके एरिया में गाढ़ा पानी आता है, भारी पानी है, तो इस कूलर को बिल्कुल ना लो, क्योंकि क्लीनिंग में और डबल ट्रिपल मेहनत आपको करनी पड़ जाएगी। हाथ वाथ जैसे कि मेरे कट गए थे वैसे आपके भी कट जाएंगे, और जैसे कि मैंने कहा आप टेक्निकल नहीं है तो बिल्कुल भी इस कूलर को आप एक बार ओपन कर लोगे तो बंद भी नहीं कर पाओगे, इतनी ज़्यादा दिक्कत होती है। तो अगर आपके एरिया में सप्लाई वाला पानी है, पानी हल्का है, तो आप इस कूलर को ले सकते हैं, क्योंकि तब पानी के दाग उतने ज़्यादा पपड़ी नहीं जमेगी, क्लीनिंग आसान हो जाएगी। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, किसी भी कूलर को क्लीन करना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। कूलर अगर क्लीन नहीं होगा तो बैड स्मेल आएगी और अच्छे से कूलिंग भी नहीं करेगा। इजी टू क्लीन और क्लीनिंग के मामले में इस कूलर को 10 में से मुझे अंक देना हो तो मैं 3 या 4, इससे ज़्यादा अंक इसे नहीं दे सकता हूँ, इतना ज़्यादा दिक्कत होती है इसे क्लीन करने में। अच्छाइयों की बात करें तो कूलर में मैंने अपने रिव्यू वाले वीडियो में बताया ही था, प्लास्टिक की बिल्ड क्वालिटी ज़बरदस्त है, एयर थ्रो काफ़ी ज़्यादा हैवी है। आपके घर में अगर अच्छा खासा ओपन एरिया है, ताज़ी हवा कूलर को मिल रही है, तो कूलिंग और ज़्यादा ज़बरदस्त करेगा। आपको बता दो, अपने रिव्यू वाले वीडियो में मैंने बताया था, कोई भी कूलर तभी काम करेगा जब उसको ओपन एरिया मिलेगा, अच्छे से क्रॉस वेंटिलेशन रहेगा कमरे में, तो ही बंद कमरे में कोई भी कूलर काम नहीं करेगा, ये भी बिल्कुल नहीं करेगा। तो ये मत एक्सपेक्ट कर लेना कि मैं इतना महंगा कूलर ले रहा हूँ, सबसे टॉप वाला ले रहा हूँ, तो ये कूलिंग करेगा किसी भी कंडीशन में। ये तभी कूलिंग करेगा जब इसको ओपन एरिया क्रॉस वेंटिलेशन मिलेगा, ये चीज़ ध्यान में रखना।
कोई भी कूलर ले लो। क्या मैं इस कूलर को रिकमेंड करूँगा आपको परचेज करने के लिए या नहीं, तो यहाँ पे 50-50 है, हाँ भी नहीं भी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मैंने इसे एक साल यूज करने के बाद जानी हैं, आपके साथ शेयर भी की हैं। अब आपको ये कूलर परचेज करना है या कोई दूसरा ख़रीदना है ये आपके ऊपर मैं छोड़ता हूँ, आप अपनी समझदारी के हिसाब से चेक करें। बहुत सारे YouTube चैनल पे वीडियोस हैं, रिव्यू हैं, सबको देखें, मेरे वीडियोस को भी कंपेयर करें और जो ऑप्शन आपको ठीक लगे, समझ में आए, उसको आप परचेज कर सकते हैं। इसके अलावा और भी अल्टरनेटिव जो हैं इस कूलर के, वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, वहाँ से जाके आप परचेज कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा, कुछ भी पूछना है, कोई भी क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट सेक्शन फ्री है, और इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करना चाहते हैं, मुझसे बात करना चाहते हैं, कुछ भी पूछना है तो आईडी शो रही है, वहाँ पे जाके फॉलो कर लेना। इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब करना आपका काम है, वीडियो पसंद आए लाइक करना। चलता हूँ, फिर मिलूंगा किसी दिन किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आपको रखना अपना ख्याल। सी यू अगेन, बाय बाय।